हाय गाइस, सनशाइन हिंदी टैरो में स्वागत करती हूँ सभी का। देखते हैं क्या वो पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे जिनका आपको वेट है, जिनसे आप कमिटमेंट चाहते हो, जिनसे आप किसी भी तरह का कुछ उम्मीद करते हो, ठीक है, कि वो पर्सन आपको प्रपोज करे, वो पर्सन आपको कमिटमेंट दे, वो पर्सन आपको वो सब कुछ दे जो आप चाहते हो। तो क्या वो पर्सन वो सब आपको देंगे, कमिटमेंट, मैरिज का प्रपोजल, रिकन्सिलेशन, क्या वो पर्सन आपके साथ करेंगे, थोड़ा सा वक्त, लव, केयर, क्या वो पर्सन आपको देंगे जो आप चाहते हो। तो देखते हैं हम, पिक अ कार्ड रीडिंग है, ओके। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 को है तो आपको कार्ड नंबर 1 चूज करना है, ठीक है। आप कार्ड नंबर वन चूज कीजिएगा। और अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30 है तो आपको कार्ड नंबर 2 चूज करना है। टाइम इस टाइम्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां पर जाकर डायरेक्ट अपने पैनल की रीडिंग देख सकते हैं। तो गाइस, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और सोलर रीडिंग है तो जितना रीडिंग आपसे रेजोनेट हो उतना लीजिए आप, जो नहीं होता उसे इग्नोर करिएगा। और अगर आपसे जिस पाइल को आपने सेलेक्ट किया है वो आपसे रेजोनेट नहीं हो रही है तो आप पाइल चेंज कर सकते हो, ठीक है, आप कर सकते हो बिल्कुल। और जो आपको सही लगता है, जो आपको अट्रैक्ट करता है, आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ बर्थ, आप वो चूज़ कीजिए जो आपको अट्रैक्ट करता है। बाकी मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप सेलेक्ट करें, या जो आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ है आप वो सिलेक्ट कीजिए। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो माय पाइल नंबर 1, देखते हैं क्या आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देंगे। गाइस, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ, एक बार और बता देती हूँ, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1, 3, 5, 7, 11, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 को है तो आप, ये आपकी रीडिंग है, ठीक है। देखते हैं क्या आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देंगे। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरिस, लियो, सैजिटेरियस। मुझे लग रहा है यहाँ पर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, उनकी मदर, आपकी मदर, कुछ भी हो सकता है, या आपके पार्टनर का नेचर, ठीक है, आपके पार्टनर का नेचर, कभी वो आपसे बातचीत करते हैं, कभी नहीं करते हैं, कभी आपकी लाइफ में आते हैं, कभी चले जाते हैं, उनके एनर्जी से, उनके हरकत की वजह से आप थक चुके हो, आप काफ़ी ज़्यादा पेन में हो, आप रो रहे हो, या आपके वो पार्टनर रो रहे हैं कि मुझे एनर्जी दिखाई दिया है। गाइस, मुझे ना ये आपके पार्टनर की एनर्जी दिखाई दे रही है, क्योंकि आप अपने पावर में आ चुके हो, ठीक है, आप अपने पावर में आ चुके हो, आपने खुद पर वर्क किया है, आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बन चुके हो, आप उस पर्सन को स्पाई करते हो, आप देखते हो, ठीक है, पर आपकी एनर्जी रोने धोने वाली नहीं दिखाई दे रही है मुझे। अगर ये आपका एनर्जी है तो आपको ऐसा नहीं रहना है, आपको अपने पावर में आना है, क्योंकि जब आप अपने पावर में आओगे तभी इस पर्सन को समझ आएगी कि आप क्या हो, ठीक है। क्या ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे। इतने सारे कार्ड्स नहीं लूंगी मैं, ओके। टू ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ये पर्सन आपको जगल कर रहे हैं, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, आपके पार्टनर आपको जगल कर रहे हैं, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, थर्ड पार्टी उनका फैमिली हो सकता है, उनका कैरियर हो सकता है, ये अपने कैरियर में स्टेबल नहीं है, इनके पास अच्छी जॉब नहीं है, ये हो सकता है, ये स्टेबिलिटी चाहते हैं, अभी इस पर्सन का फोकस इनके कैरियर पर है, ठीक है, इस पर्सन को सक्सेस चाहिए, इनका पूरा फोकस इनके कैरियर पर है, ये सक्सेस चाहते हैं अपने कैरियर पर। ये पर्सन बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं आपके आपके और अपने फैमिली के बीच, कैरियर और आपके बीच, ठीक है, ये पर्सन आपको वक्त नहीं दे पा रहे हैं।
ये पर्सन बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, या मुझे ये लग रहा है कि इस पर्सन ने ऑलरेडी आपको छोड़ दिया है, इस पर्सन ने किसी और चीज़ को चूज़ कर लिया है, ठीक है। आप काफ़ी ज़्यादा रोए हो, काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए हो, इस पर्सन ने आपको परेशान काफ़ी ज़्यादा किया है। क्या ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे? अभी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ है, ठीक है। अभी ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं, क्या करना चाहिए, क्या चूज करना चाहिए, इस पर्सन को कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। ये पर्सन को कुछ समझ नहीं आ रहा है, इनका दिल कहता है ये पर्सन आपको चूज करें, आपसे ही मैरिज करें। वेट अ सेकेंड, जो कार्ड नीचे जंप आउट हुआ था वो स्टार का है और यहाँ पर आया है हेरोफेंट। ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ है, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ है। बाकी आपके पार्टनर का विश है कि आपसे मैरिज करें, ठीक है। कभी इस पर्सन ने ड्रीम्स देखा था कि आपके साथ इनका फ्यूचर होगा, आपके साथ इनका बेबी होगा, बच्चे होंगे, आप दोनों की फैमिली मान जाएगी, ये मना लेंगे, इन्होंने प्रॉमिस किया था आपसे। पर मुझे लग रहा है कि ये पर्सन ने आपको चूज़ नहीं किया है, ठीक है। इस पर्सन ने किसी और से उसको चूज़ कर लिया है, ये अपने फीलिंग्स आपको नहीं बता रहे हैं, इनके दिल में क्या है, क्या सोचते हैं ये पर्सन नहीं बता रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस टाइप के पर्सन हैं ये, ओके। ये आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस टाइप के पर्सन हो, आप कुछ छिपाते हैं इनसे, ठीक है, कुछ छिपाते हैं आप इनसे, या ये पर्सन कुछ छिपा रहे हैं आपसे, ये दिखाई दे रहा है मुझे। क्या ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे? दो कार्ड निकालना चाहूँगी मैं, क्या ये पर्सन आपको, ओके ये आ गया है, ठीक है। द हैंग मैन और सेवन ऑफ कप्स यहाँ पर आया है, स्ट्रेंथ। गाइस आई एम सॉरी बट मुझे नहीं लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देंगे, मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पर, ओके। जो कार्ड में आया है यार, जो रीडिंग में आया है, मैं वही बताऊँगी। आपके पार्टनर के पास वो हिम्मत नहीं है, ठीक है, कि ये किसी के खिलाफ जा सके, अपने फैमिली के खिलाफ जा सके। इनके पास ऑप्शंस है, आपके पार्टनर के पास ऑप्शंस है और ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं। ये पर्सन आपको ऑप्शंस की तरह ले रहे हैं। इस पर्सन ने ऑलरेडी सरेंडर कर दिया है, ठीक है, इस पर्सन ने सेक्रीफाइस कर दिया आपके प्यार को। ये पर्सन देखिए, मुझे ना ये आपके एनर्जी लग रहा है, या तो पास्ट में आपने काफ़ी ज़्यादा रोया है, परेशान हुआ है, और ये भी थोड़े से दुखी थी, ये थे, मुझे दिखाई दे रहा है। पर ये पर्सन जहाँ पर भी हैं, ठीक है, इनका एनर्जी मुझे ये नहीं लग रहा है कि ये रो रहे हैं, ये परेशान हो रहे हैं, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, ठीक है, ये मुझे आपकी एनर्जी लग रहा है। इस पर्सन ने सरेंडर कर दिया है। हाँ, पास्ट में रोए थे ये आपके लिए, पास्ट में रोए थे, इस पर्सन ने कभी रोया है आपके लिए, पर अभी इनका ये है कि ये जहाँ पर भी है ठीक है, ठीक है, ये जहाँ पर भी है ठीक है, इन्होंने सेक्रीफाइस किया है आपके प्यार को। इनके पास ऑप्शंस है, एक नहीं कई ऑप्शंस है इस पर्सन के पास, इनको ऑप्शंस दिखाया जा रहा है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि इस पर्सन के पास वो हिम्मत है कि आपके लिए स्टैंड लेंगे, आपको आपके लिए एक्शन लेंगे, ठीक है। इनकी मदर नहीं मान रही, ऐसा हो सकता है, या ये पर्सन ऑलरेडी किसी से मैरिड है, ये हो सकता है, ठीक है। वहाँ से निकलना इनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। और देखते हैं क्या ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे। मुझे अभी तक नहीं लगा है कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट देने वाले हैं। कंडीशनिंग, आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी है, देख सकते हैं आप दोनों के बीच बातचीत नहीं हो रही है। ये पर्सन अपने फीलिंग्स नहीं बता रहे हैं आपको, ठीक है, कि ये क्या सोचते हैं, ये क्या चाहते हैं, ये पर्सन कुछ नहीं बता रहे हैं आपको। थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है यहाँ पर, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, कास्ट, रिलेशन, फैमिली, ठीक है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। ये इनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई और है, मुझे ये लग रहा है इस पर्सन की लाइफ में कोई और है आपके अलावा, ठीक है, और वहाँ से निकलना इनके लिए मुश्किल है। तो मुझे नहीं लग रहा गाइस कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट देने वाले हैं, ओके। ये पर्सन अभी इस वक्त आपको ऑप्शंस की तरह देख रहे हैं। हाँ, आपसे बातचीत करना चाहते हैं, अट्रैक्टेड काफ़ी ज़्यादा हैं आपसे, आपसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, पर
मुझे नहीं लग रहा कि ये आपको कमिटमेंट देने वाले हैं। देखते हैं शाइन बाबा का मैसेजेस आपके लिए क्या है, क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको शाइन बाबा, यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं आपसे यूनिवर्स, उनका मैसेजेस आपके लिए क्या है। आत्मा का सफर, मैं मार्ग पथ जरूर बताऊंगा लेकिन आपको अकेले ही रास्ता तय करना होगा। पीड़ा से गुजरकर ही महानतम आत्माएं अधिक उन्नत होती है। तो जो कुछ भी आज आपके लव लाइफ में हो रहा है, आपके लाइफ में हो रहा है, डेफिनेटली ये काफ़ी ज़्यादा, आप काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो इसे, काफ़ी ज़्यादा पेनफुल है ये, बट आपको यूनिवर्स ये कर रहे हैं, आपसे यही कर रहे हैं कि जो कुछ भी आज आपके लाइफ में हो रहा है, इस पीड़ा से गुजर कर ही, इस पीड़ा, इस पेन को ही फेस करके आप और भी ज़्यादा सक्सेस पाएंगे अपने लाइफ में। आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पर हो, आप काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ सक्सेस पाएंगे अपने लव लाइफ में, अपने लाइफ में, ठीक है। ये साईं बाबा आपसे कह रहे हैं आत्मा का सफ़र। साईं बाबा, गॉड, यूनिवर्स आपको एक सही दिशा दे रहे हैं, एक सही दिशा बता रहे हैं, आपको एक सही मार्ग बता रहे हैं कि क्या आपके लिए सही है, पर ये आपका चॉइस है कि आप उस रास्ता को तय करते हो कि नहीं, ठीक है। जो गॉड आपसे कराना चाह रहे हैं आप वो करते हो कि नहीं, ये आपकी चॉइस है। साईं बाबा कह रहे हैं आपसे, गॉड आपसे यही कर रहे हैं कि वो आपको एक सही दिशा बता रहे हैं, आपको उस रास्ता पर चलना चाहिए। और जो कुछ भी पेनफुल सिचुएशन है आपका, इसको फेस कीजिए, इस पीड़ा को फेस करके, इस पेन को फेस करके और भी ज़्यादा आप उन्नति पाओगे, ग्रोथ पाओगे अपने लाइफ में। और गॉड आपके साथ हैं, ठीक है, वो आपके साथ हैं, वो आपको एक सही दिशा बता रहे हैं। अपने इंट्यूशन को ज़रूर सुनिएगा, ठीक है गाइस। ये रही आपकी रीडिंग, अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग पर। बाय बाय, टेक केयर, अपना अच्छे से ख्याल रखें। हेलो, मैं पायल नंबर 2। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ डेट ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127,
जो आप चाहते हो, लव केयर, थोड़ा सा वक्त, क्या ये पर्सन आपको देंगे? एक स्टेबल सिक्योर लाइफ, क्या आपके पार्टनर आपको देंगे जो आप चाहते हो? कमिटमेंट, मैरिज का प्रपोजल, क्या ये वो आपको देंगे? देखते हैं हम गाइस, जनरल रीडिंग है तो हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट ना हो, तो जितना रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी उतना लीजिएगा आप। क्या आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देंगे? आप उनके बारे में सोचिए, उन पर फोकस कीजिए। क्या आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देंगे? यहाँ पर आया है नाइट ऑफ स्वर्ड, सेमिनाइलिब्रा एक्वेरियस, एंड यहाँ पर आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरिस, लियो, सेजिटेरियस। इनका आपका या इनका या आपका शाइन हो सकता है। ये जो भी पर्सन है ये आपको इंस्पायर कर रहे हैं, ये आपको देख रहे हैं, आपसे बातचीत करने के लिए सोच रहे हैं। अगर आप दोनों नो कॉन्टैक्ट में हैं तो ये आपके क्रश हो सकते हैं, या ये पर्सन आप पर फिदा हैं, ठीक है। ये पर्सन आपको देख रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं ये आपसे, आपको एक पावरफुल मानते हैं, काफ़ी ज़्यादा करेज देखते हैं ये पर्सन आप में, आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन मानते हैं, एक आप में ना एक मैच्योरिटी देखते हैं ये पर्सन, आप काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो ये इस पर्सन को लगता है, ठीक है। आप इस पर्सन से काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो, आप एक आप में काफ़ी ज़्यादा हिम्मत है, आप चीज़ों को काफ़ी अच्छे से समझते हो, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, इंडिपेंडेंट हो, काफ़ी ज़्यादा लविंग, केयरिंग हो। ये पर्सन आपको इस तरह से देखते हैं, ये पर्सन आपका साथ चाहते हैं, ये पर्सन आपको देख रहे हैं, ठीक है, ये पर्सन आपको देख रहे हैं। और इनकी एनर्जी ये है कि जल्दी से ये आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। क्या ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे?
एबिलिटी देंगे। ये पर्सन आपको क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स सेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस हो सकता है कि इस पर्सन की लाइफ में चॉइसेस है, इस पर्सन की लाइफ में चॉइसेस है, ऐसा हो सकता है। यह पर्सन ये ऑलरेडी किसी और से मैरिड है, किसी और से कमिटेड है, ऐसा हो सकता है, पर ये आपसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, काफ़ी ज़्यादा। ओके, इस पर्सन की नज़रों में आपकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। ये ना थोड़े से आपसे डरे हुए भी हैं, ठीक है, क्योंकि आप काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन हो इनकी नजरों में। क्या ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे? फर्ड गाइस, ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, डेफिनेटली ये पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं। ये मैं लूंगी। ओके, तो साइंस बता देती हूँ, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न कैंसर स्कॉर्पियो पिसेस जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, और टॉरस भी है यहाँ पर, जेमिनी भी है यहाँ पर। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एरिस लियो सेजिटेरियस कैंसर स्कॉर्पियो पिसेस और लियो है यहाँ पर, ठीक है, एरिस लियो सेजिटेरियस। तो ऑल साइंस आ चुका है यहाँ पर। तो क्या ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे? यस, डेफिनेटली ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे, ठीक है, डेफिनेटली ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे। जो आप चाहते हो ये पर्सन भी वही चाहते हैं, ठीक है। आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स है, म्यूचुअल लव है, ओके, आप दोनों की काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है। अगर आप दोनों के बीच कुछ इशू चल रहा है, कुछ लड़ाई झगड़ा चल रहा है, मनमुटाव चल रहा है, आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी आ रही है, इनकी मदर नहीं मान रही, ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है, फिर भी ये पर्सन आपके लिए स्टैंड लेंगे, ये आपके लिए एक्शन लेंगे, ये पर्सन सबको शॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करेंगे, ये पर्सन आपसे मैरिज करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। ये पर्सन आपको अपनी दुनिया में चाहते हैं, एक तरह से आप इनकी दुनिया हो। ये पर्सन आपसे बेहद प्यार करते हैं, जितना लव आप इस पर्सन से करते हो, डेफिनेटली ये पर्सन भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं। और किसी भी तरह का प्रपोजल देना चाहते हैं, मैरिज का प्रपोजल, कमिटमेंट ये पर्सन आपको देना चाहते हैं, कुछ ऑफर करना चाहते हैं, ये आपको अट्रैक्टेड काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा सोचते हैं, ये पॉजिटिव सोचते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, और ये देंगे, बैलेंस करेंगे आप दोनों के बीच कैरियर फैमिली आपके, ये पर्सन बैलेंस बनाएंगे, बैलेंस बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। अभी इनका फोकस इनके कैरियर पर है, ये अपने कैरियर में स्टेबिलिटी चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं। चांसेस है जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल पर्सन है। अगर ऐसा नहीं है तो ये सक्सेस होकर, स्टेबल होकर अपने कैरियर में ये आपके पास आएंगे, मैरिज का प्रपोजल लेकर ये पर्सन आएंगे। ओके, ये पर्सन आज भी आपको देखते हैं, ये पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, ठीक है, आपके लिए, इनके मन में, इनके दिल में लव काफ़ी ज़्यादा करते हैं। इनको लगता है कि आप दोनों का रिलेशनशिप डिवाइनली गाइडेड है, डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, कोई नहीं आ सकता आप दोनों के बीच, ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, कोई नहीं आ सकता आप दोनों के बीच जो इनके प्यार को कम कर दे आपके लिए, ये आपको बेहद ही ज़्यादा मिस करते हैं। गाइस देख सकते हैं इनके सारे कार्ड्स में आपकी फीलिंग्स है, आप ही आपको एक नई शुरुआत चाहते हैं। अगर आप दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा हुआ है, लोग आए हैं आप दोनों के बीच, तो सबको शॉर्ट आउट करना चाहते हैं ये पर्सन, ठीक है, सबको शॉर्ट आउट करना चाहते हैं। और इनकी फीलिंग्स ये है आपके लिए कि मुझे लग रहा है कि ना आपको कंट्रोल करना इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा पसंद है, ठीक है, आपको कंट्रोल करना इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। देख सकते हैं आप लोग, डेफिनेटली आप लोग सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो सकते हो, आप लोग यूनियन तो चाहते ही हैं, आपके पार्टनर आपको एक सिक्योर लाइफ देना चाहते हैं, ये एक सिक्योर स्टेबल लाइफ आपको देना चाहते हैं, ब्यूटीफुल लाइफ आपको देना चाहते हैं। फैमिली देखते हैं ये पर्सन आपके साथ,
गाइस मुझे लग रहा है कि आपके पास चॉइसेस है या होगी, आपके पास चॉइसेस होगी, आपको चूज करना पड़ेगा। आप एक सही पर्सन को कर पाओगे, ठीक है, आप एक सही पर्सन को चूज कर लोगे। डिवाइन की तरफ से भेजा गया रिश्ता आपके पास आ रहा है, या आप दोनों का रिश्ता डिवाइन ने बनाया है और डिवाइनली प्रोटेक्टेड है ये, डिवाइनली गाइडेड है ये। आप दोनों फील करते हो, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है ये, आप दोनों ही फील करते हो। डेफिनेटली ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे। मुझे लग रहा है यार कि आप नाराज़ हो थोड़े से इनसे, पता नहीं क्यों पर मुझे लग रहा है कि आप थोड़े से नाराज़ हो। हो सकता है कि इस पर्सन ने जाने अनजाने में आपको हर्ट पहुंचाया है, आप नाराज़ हो, बट डोंट वरी, ये पर्सन आपको आकर मना लेंगे, ठीक है, आप मान भी जाओगे। हाँ थोड़ा सा सुनाओगे आप, मुझे लग रहा है अगर इनसे किसी भी तरह का गलतियाँ हुई है आप इनको सुनाओगे, पर आप इनको माफ़ कर दोगे क्योंकि लव है यहाँ पर, ट्रू लव है, सोलमेट हो आप लोग, दोनों को एक ही चाहिए, सक्सेस, मैरिज, यूनियन। क्या ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे? वाओ, ट्विन फेम, सोलमेट, डेफिनेटली हो आप लोग, इंटीग्रेशन, बैलेंस होगी इस रिलेशनशिप में, इक्वल गिव एंड टेक होगा, यिन एंड यांग। ओके, ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, डेफिनेटली इनके साथ आपकी यूनियन होगी, ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे। आप दोनों के बीच लोग आने की पूरी कोशिश करेंगे, आप दोनों को अलग रखने की कोशिश करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, या तो ऑलरेडी ऐसा हो रहा है, ठीक है, इनके फैमिली या कोई फ्रेंड्स ऐसे हों, वो कुछ तो लोग होंगे जो आप दोनों को दूर करने की कोशिश करेंगे, आप दोनों के बीच लड़ाई कराने की पूरी कोशिश करेंगे, पर उससे कुछ नहीं होने वाला, आप लोग यूनियन में आ ही जाओगे। लवर्स का कार्ड हमें मिला है, टू ऑफ कप्स का कार्ड मिला है, इंटीग्रेशन का कार्ड मिला है, आप लोग यूनियन में आ ही जाएंगे। आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, गॉड यूनिवर्स इस पर्सन को आपके पास भेज रहे हैं, ठीक है, जिस पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो। गाइस ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं, ये पर्सन आ रहे हैं, आप दोनों लवर्स हो, पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप दोनों का, ये आप फील कर पाते हो, ये आपके पार्टनर फील कर पाते हैं, एक नई शुरुआत डेफिनेटली होगा। वाओ, और क्या कहूँ मैं, पार्टिसिपेशन पॉसिबिलिटीज। देखिए अगर आपने होप हार दिया ना कि सब कुछ सही नहीं होगा, तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, आपको होपफुल रहना चाहिए, जैसा आप सोचोगे वैसा क्रिएट होगा, तो प्लीज़ पॉजिटिव सोचिए, पॉसिबिलिटीज अभी भी है, ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ है कि आप दोनों का मैरिज हो, होगी, ठीक है, इस पर्सन के साथ आपकी मैरिज होगी, ये आपको एक सिक्योर लाइफ देंगे, ये पर्सन आ रहे हैं आपकी लाइफ में। अगर आप दोनों का मैरिड ऑलरेडी हो चुका है, मैरिज ऑलरेडी हो चुका है, अगर ये आपके ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ हैं, तो आपकी यूनियन है यहाँ पर, यूनियन होगी यहाँ पर आप दोनों का। अब देखते हैं साईं बाबा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, यूनिवर्स गॉड का मैसेज आपके लिए क्या है। ये आपको एक क्वीन की तरह रखेंगे, ये पर्सन आपको एक क्वीन की तरह रखेंगे, एक किंग की तरह रखेंगे, ये पर्सन आपका रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। हाँ, इस पर्सन ने आपको हर्ट पहुँचाया है जाने अनजाने में, ठीक है, इनसे कुछ गलतियाँ हुई है, पर इस पर्सन को वो पसंद है, आपको कंट्रोल करना इस पर्सन को पसंद है। मुझे ये लग रहा है गाइस, ये ना मुझे निगेटिव नहीं लग रहा है इसमें, हाँ आई एम सॉरी कि इस पर्सन को थोड़े से कंट्रोलिंग नेचर के हैं, पर ना ये काफ़ी ज़्यादा लविंग केयरिंग है, ये काफ़ी ज़्यादा लविंग केयरिंग पर्सन है। मुझे ना इस पर्सन का नेचर ही ऐसा लग रहा है कि ये आपको प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। अगर ये कंट्रोल करते हैं आप पर, ठीक है, किसी भी तरह का कंट्रोल करते हैं, तो इनका इनका सोच ये रहता है कि ये पर्सन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सच्चाई का सामना, तो साईं बाबा आपसे कह रहे हैं कि आप सच्चाई का सामना कीजिए, जो कुछ भी हुआ है आप सच्चाई को देखिए, ओके, कर्मों की शुद्धि, गुरु, देवदूत, स्वर्गदूत तथा अभिभावक, स्वर्गदूत आपके कर्मों की शुद्धि करते हैं। तो जो कुछ भी हो रहा है, हो सकता है आप दोनों के बीच जो सेपरेशन हुआ है, ये होना ही था, ये डेस्टाइन था, ओके, ये होना ही था। और जो आज सच्चाई है, आप सच्चाई को देखिए, ओके,
सच्चाई को देखिए आप। अगर कोई पर्सन सही नहीं है आपके लिए तो उसको भी देखिए, और सही पर्सन आपके लाइफ में आ जाएंगे, ठीक है, जो आपको कमिटमेंट देंगे। काफ़ी ज़्यादा वेल्दी पर्सन होंगे ये, रिच काफ़ी ज़्यादा होंगे, आपको एक स्टेबल लाइफ देंगे, आप दोनों परफेक्ट कपल होंगे जिनसे आपकी मैरिज होगी। ये पर्सन आपको एक किंग एक क्वीन की तरह रखेंगे, ठीक है। एक कार्ड और निकालना चाहूँगी मैं आपके लिए, आत्मा का सफ़र। मैं मार्ग पथ ज़रूर बताऊँगा लेकिन आपको अकेले ही रास्ता तय करना होगा। तो साईं बाबा यूनिवर्स आपसे ये कह रहे हैं कि वो आपको सही मार्ग बता रहे हैं, क्या सही है आपके लिए क्या गलत है वो आपको बता रहे हैं, ठीक है, आपको एक सही दिशा बता रहे हैं। वो आप एक सही दिशा पर चलते हो कि नहीं ये आपकी चॉइस होगी, ठीक है, पर वो आपको एक सही दिशा दे रहे हैं, एक सही मार्ग बता रहे हैं, जो आपके लिए सही है वो आपको बता रहे हैं, ठीक है, जो रास्ता आपके लिए सही है वो आपको बता रहे हैं। तो गाइस ये रही आपकी रीडिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग पर, बाय बाय, टेक केयर, अपना अच्छे से ख्याल रखें।